नीयत खराब है, फिनलैंड टीचर्स को भेजने नहीं देना चाहते। आज मैं ये लेके आया हूं महोदय, बीजेपी वालों के कितने एमपीज ऐसे हैं, ये पूरी लिस्ट है, जो खुद विदेशों में पढ़ के आए हैं। इनकी कभी इनके मां बाप ने कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करी? कितने एमपी ऐसे हैं जो खुद विदेशों में पढ़ के आए हैं? इनके कितने एमएलए ऐसे हैं जो खुद विदेशों में पढ़ के आए हैं? कभी इनके मां बाप ने कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करी? ये बच्चे हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स के, बीजेपी वालों के बच्चे, जिन जिन के बच्चे अभी विदेशों में पढ़ रहे हैं। मेरे को इससे कोई एतराज नहीं है, मैं किसी की शिक्षा के खिलाफ नहीं हूं। बीजेपी वाले, कांग्रेस वाले, आम आदमी पार्टी वाले, जिसको भगवान ने अच्छा दिया जिंदगी में, वो अपने बच्चों को भेजे, जरूर भेजे। अच्छी से अच्छी शिक्षा सबके बच्चों को मिलनी चाहिए। मैं इसके विरोध में नहीं हूं कि इन्होंने क्यों भेजा, मैं इसके विरोध में हूं कि अगर तुम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देना चाहते हो तो गरीबों के बच्चों की अच्छी शिक्षा के खिलाफ क्यों हो तुम लोग? अगर हम अपने बच्चों को, गरीबों के बच्चों को अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं, तो तुम रोकने वाले कौन होते हो?